तो भाई लोग रिजेक्ट मॉडर्निटी एंड गो बैक टू मंकी, क्योंकि भाई अपनी मंकी यूनिवर्स की नई दुनिया का सूर्योदय हो चुका है, जहां भाई पिछली मूवी अपने प्लैनेट ऑफ द एप्स ट्रिलॉजी में ह्यूमैनिटी के फॉल के बारे में दिखाती थी एंड ये बतलाती थी कि मंकी यूनिवर्स में अपने मंकीज कैसे डोमिनेंट स्पीशीज बन रहे हैं। वहीं भाई इस बार किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी इसके आने वाली कहानी के बारे में ये एस्टैब्लिश करती है कि जो कुछ भी बचे कुछ इंसान है वो अभी भी इस उम्मीद की लौ को जलाए हुए हैं कि एक बार फिर कैसे भी करके ह्यूमंस एक डोमिनेंट स्पीशीज बन पाएंगे। जहां भाई किंगडम ऑफ द प्लैनेट जंगली हो चुके हैं और बंदर थ्राइव कर रहे हैं, जहां भाई उनकी एक प्रॉपर कम्युनिटी है, वो नेचर के साथ कोऑर्डिनेट करना सीख रहे हैं, सिविलाइजेशन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही भाई मूवी का अपना बैड गाय प्रॉक्सिमस सीजर इंसानों के इतिहास को जानकर और पढ़कर काफी फैसिनेट होता रहा है। वो और भी जानना चाहता है, वो समझ पाता है कि भाई नॉलेज कितनी कमाल की चीज होती है, क्योंकि इस नॉलेज से आती है पावर एंड इस पावर के लिए वो बाकी बंदरों के कबीलों पे हमला करता है, उन्हें स्लेव ट्रेड में लेकर आता है, स्लेवरी से अपना काम उनसे करवाता है, क्योंकि भाई किताबों में, पास्ट की किताबों में उसने ऐसी ही नॉलेज को पाया हुआ है और अपना एक अलग किंगडम बनाना चाहता है, अपना एक साम्राज्य और उस पर राज करना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने लेजेंड सीजर की आइडियोलॉजी, टीचिंग, फिलोसफी सब कुछ छोड़कर बस उसके नाम को अपना लिया ताकि वो रिलीजियसली भी बाकी बंदरों को बरगला सके अपने फायदे के लिए। वही भाई इसमें अपना मेन हीरो बंदर नोवा है, जो कि भाई ईगल क्लैन से आता है, जिनकी मेन फिलॉसफी रही है ट्रेडिशन, एजुकेशन एंड पासिंग द नॉलेज। और फिर जब आगे कहानी में ईगल क्लैन पे प्रॉक्सिमस सीजर के सोल्जर ने हमला किया स्लेवरी के लिए, तो भाई उनके कबीलों को तभा कर दिया, कई सारे लोगों को उनको मार दिया और भाई उन्हें स्लेवरी के लिए रिक्रूट कर लिया, जहां भाई अपना नोवा मेन कैरेक्टर पीछे छूट जाता है, जिसके बाद उसके जिंदगी का एक ही मकसद बन जाता है कि वो अपने कबीलों को रिस्टोर करे। जहां भाई उसे एक इंसान लड़की भी मिलती है जिसका नाम मे होता है, वो एक तरीके का बहुत ही बड़ा सरप्राइज है मूवी के एंड में, जो कि एब्सोल्यूट एंड में ही पता चलता है, लेकिन मैं आपको यहां पे बताऊंगा भी नहीं क्योंकि बहुत बड़ा स्पॉइलर है मूवी का। एंड नाउ मूवी की बात करें तो दे किल्ड इट। प्लैनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइज का एक टोन है, बेसिक मोरालिटी, पावर स्ट्रगल और ग्रोथ, जिसके बीच की अंडरस्टैंडिंग का ही सारा कांड होता है, जहां पे अगर इन द डीप सेंस समझे तो इसका कोर थीम ऐसा कुछ नया या बहुत खास नहीं है। डबल स्टैंडर्ड्स आपको इंसानों में भी मिलते हैं और अगर बंदरों में ऐसी इंटेलिजेंस आ जाए तो भाई वो भी दोगले होना शुरू हो जाते हैं। कैसे हमें देखने को मिलता है कि वो सारी स्लेवरी वाली चीजें हमें इसमें देखने को मिल रही है। ये प्रकृति का नियम है कि कमजोर होगे तो निगल लिए जाओगे। हमेशा से ही इंटेलिजेंट बींग्स की आदत रही है, यानी कि इंसानों की, कि भाई दूसरे के ऊपर कंट्रोल का एक अलग ही फैसिनेशन रहा है और ऐसे ही फैसेट्स हमें मूवी में देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर प्रॉक्सिमस सीजर काफी ज्यादा फैसिनेटेड रहा है, जो कि भाई अपना वो बैड कैरेक्टर रोमन एम्पायर के बारे में जानते हुए भी फैसिनेटेड रहा है कि पावर क्या कमाल की चीज होती है। जहां पे इन्हीं बातों पे चार चांद तब लग जाती है कि जब आप इन्हें बंदरों के पर्सपेक्टिव से देखते हो, जो भाई सीजीआई हमें इसमें देखने को मिलता है कि असली और नकली में अंतर आप नहीं बता पाते हो, कमाल की खूबसूरत की दुनिया है कि आप उसमें खो जाते हो। इट्स काइंड ऑफ लाइक अवतारिश फीलिंग, जहां अवतार की स्केल एंड ब्यूटी तो किसी और ही लेवल पे चली जाती है, लेकिन भाई प्लैनेट ऑफ द एप्स काफी ग्राउंडेड रहती है अपने सिमिलर बैकड्रॉप के साथ। ये जानवर जैसे रिएक्ट इसमें करते हैं, जैसे चलते हैं, बॉन्ड करते हैं, काफी मेसमराइजिंग और काफी सिमिलर है, क्योंकि वो फुल्ली इवॉल्व नहीं हुए हैं, मगर भाई अपनी पिछली मूवीज के कंपैरिजन में इतनी जो पीढ़ियां इसमें बीत चुकी हैं, अब बंदर कुछ ज्यादा इवॉल्व होके एक्सप्रेसिव दिखने लगे हैं। जहां पे दिस इज व्हाट आई कॉल रिस्पांसिबल फिल्म मेकिंग, कि भाई बंदर है तो बकचोदी नहीं करते, अपने पास्ट के प्लैनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइज की सीरियसनेस को समझा है। जहां आई विल स्लाइटली डिसएग्री ऑन द फैक्ट दैट कि जिस बैड गाय को जिस पॉइंट ऑफ टाइम में मूवी में इंट्रोड्यूस करने को सोचा गया है, वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मूवी लंबी है, आई एक्सेप्ट दैट, एंड आधी से ज्यादा मूवी खत्म होने के बाद ही अपना मेन बैड गाय देखने को मिलता है, वरना उससे पहले तो आप दुनिया ही देख रहे होते हो, विच इज फाइन, मैं और भी देखना चाहूंगा। मगर जिस हिसाब से प्रॉक्सिमस सीजर का भौकाल ट्रेलर और उसके प्रमोशनल मटेरियल में भाई प्रॉमिस किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं इसे उतना वर्दी विलन कंसिडर नहीं करता, एंड ऊपर से PG-13 को आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे थे, क्योंकि क्लीशे तरीके से विलन का फॉल भी उस तरीके से दिखाया जाता है लिटरली। बाकी इन बहुत बड़ी नहीं छोटी कमियों के बावजूद भी इट्स अ वेरी गुड मूवी, जैसे हम पहले से ही देखते आ रहे थे, अपने टोन के साथ ये ऑनेस्ट है, एंड जहां थोड़े एंड में आपको अब बास मस्तान वाले गुगली भी देखने को मिलते हैं कि रिवील पे रिवील ही हो रहा है, आप फिर भी उन्हें एंजॉय करते हो, एक्सेप्टेबल। अब यहां पे भाई इतना सब कुछ दिखने के बाद मैं थोड़ा एक्साइटेड तो जरूर से हूं कि भाई किस तरीके से ये अपने आगे आने वाली ट्रिलॉजी को हैंडल करेंगे, क्योंकि पिछली वाली मूवी तो भाई इंसानों के फॉल के बारे में थी, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि
लिए अपने इंसानों की सिविलाइजेशन खड़ी हो सकती है, थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है, वो कॉन्टैक्ट उन्हें मिल चुका है। अब देखते हैं कि अब बंदर खुद को किस तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक होना पड़ेगा इंसानों के लिए। और यहाँ पे इंसानों के पास भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वो सब एक हो सकते हैं एक कॉमन थ्रेट के लिए, जो कि भाई अपने ये चिंपैंजीज और सब तरीके के बंदर आते हैं, जिसका एंड तो आप रियलिटी में जानते हो, कभी भी कुछ अच्छा होता नहीं है। लेकिन क्या ये साथ में कभी एक साथ हो पाएंगे? खैर वो तो इस ट्रिलॉजी को खत्म करने के बाद की अगली ट्रिलॉजी की कहानी होगी, मगर फिर भी मैं इसमें देखना चाहूंगा कि ये मंकीज भविष्य को किस तरीके से हैंडल करते हैं, इंश्योर कैसे खुद को करते हैं। इसको शुरू करते हुए ये एक बहुत ही अच्छी सॉलिड मूवी है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना, अगर मूवी अब तक नहीं देखी है तो जाके जरूर से देख लेना, एंड अगर देखी है तो तुम्हें कैसे लगी अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।